एनिमल हब के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम हमजा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हमारे साथ सोहेल भाई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, कैसे हैं आप? वाईकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा सोहेल भाई, सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम सोहेल है और हॉबी में मैं तकरीबन 2013 से हूँ। मैंने काफ़ी डिफरेंट किस्म की वैरायटी रखी है और अभी आजकल जो मेरे पास ज़्यादा इन है वो किनोर फैमिली है, येलो रिंगनेक भी पड़ा है और लव बर्ड भी है। तो ये दो तरह के बर्ड्स आते हैं, एक थोड़ा लार्ज साइज़ में होते हैं और एक जो मतलब लव बर्ड्स। आजकल हमने देखा हर कोई लव बर्ड्स रखता है क्योंकि वो बिज़नेस जो है उसका बहुत ज़्यादा है। तो आपका क्या मकसद था इसके पीछे, सिर्फ शौक थी या कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी रखा है? जी बिल्कुल, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था 2013 से, तब तो बिल्कुल ये सिर्फ शौक था। फिर ये टाइम के साथ साथ एक पार्ट टाइम बिज़नेस बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी शायद मैं जॉब से अर्निंग कर रहा हूँ उतनी मैं सिर्फ और सिर्फ बर्ड से घर में बैठ के भी अर्निंग कर रहा हूँ। और आपने क्वेश्चन किया, दो तरह के बर्ड्स हैं, बड़े और छोटे। लव बर्ड जो है वो बिल्कुल आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है और मैंने एक स्पेसिफिक दो चार चीज़ों को ही फोकस किया उसमें जो मार्केटेड आइटम्स है, जिसमें अल्बाइनोज आ जाता है, क्रीमिनो डेकिनो वगैरह आ जाते हैं, या बर्ड्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पेल फैलो हो जाता है। बिल्कुल लव बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, सारे कमर्शियल आइटम। तो ये बिल्कुल कमर्शियल आइटम है, वो आइटम है जो मतलब आप मार्केट में निकालते हैं और सेल हो जाता है। आपने मुझे बताया है कि लव बर्ड आपने फर्स्ट टाइम लगाया, तो एकदम इतनी बड़ी इन्वेस्ट करना ये थोड़ा बोल्ड स्टेप नहीं था? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि फ़र्स्ट टाइम लगाया और बड़ी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर दी है। लेकिन जिस टाइम इंसान कोई चीज़ रखने लग जाता है ना, शुरुआत में इंसान को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अभी बर्ड से ही निकाल के बर्ड में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल में ईजी हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता बंदे को। अच्छा अब ये जो लार्ज ब्रीड के बारे में हम बात करते हैं, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये बहुत स्लो ब्रीड करते हैं और ये मतलब उस तरह से प्रॉफिट नहीं देते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लार्ज जो बर्ड है, बड़ा जो भी बर्ड है ना, बिग बर्ड, जिसमें आजकल आपके सामने है कि राख ही काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि प्राइस डाउन आई हुई है, लेकिन मेरा जो ख्याल है लार्ज जो बर्ड है वो हमेशा रहने वाला है क्योंकि उसमें म्यूटेशंस कम आती हैं। रिंग नेक में आपको पता है अभी काफ़ी सारी म्यूटेशंस आ गई हैं, लेकिन जो रिंग नेक मेरे पास पड़े येलो अभी भी हॉट फेवरेट है। एक सीज़न में सिर्फ एक ब्रीड ले ली जाए और वो पेयर से ही पलवाई जाए ना, तो वो अपना सारा मार्जिन पूरा कर जाते हैं। अच्छा तो इस वक्त आपके पास रिंग नेक्स का मुझे बताएं कितने पेयर पड़े हुए हैं, आपके न्योर्स के कितने पेयर्स पड़े हुए हैं? मेरे पास जी येलो रिंग नेक के 3 पेयर लगे हुए हैं और माशाल्लाह से तीनों ब्रीडर हैं, और उसके बाद मेरे पास सन किनोर के अगर आप पूछते हैं तो 6 पेयर लगे हुए हैं। मैंने अभी बॉक्स नहीं दिया गर्मी की वजह से, इंशाल्लाह 10 to 15 डेज में उन्हें बॉक्स दे दूँगा, वो भी सारे के सारे ब्रीडर पेयर हैं। तो वैसे तो मैंने सन किनोर ही देखे हैं, तो आपके पास एक डिफरेंट टाइप के भी हैं, थोड़े ग्रीन ग्रीन, तो वो मुझे थोड़ा सा गाइड करें किस किस्म की म्यूटेशन आती हैं किनोर की? मेरे पास जो अगर आप छोटे किनोर की बात करते हैं जो ये अभी आपको फ्लाई में भी बैक में नज़र आ रहे हैं, तो इनमें मेरे पास ब्लू टर्कवाइज है और सन चिक वगैरह लगा हुआ है और येलो साइडर किनोर लगा है, ग्रीन चिक किनोर लगा है, और जो थोड़ी सी डिफरेंट हट गई है उसे कहते हैं मैरून बैलेट किनोर। मेरे पास एक ही पेयर लगा है लेकिन वो सब बाकी सबसे डिफरेंट होता है। तो येलो रिंग निक रखने की क्या पीछे वजह थी और इसका आजकल क्या रेट चल रहा है, और मुझे किनोर्स के रेट भी बता दें? अगेन वही बात है कि येलो रिंग निक जो है वो बहुत कमर्शियल आइटम है। एक तो आप पेयर की प्राइस पूछ रहे हैं तो ब्रीडर पेयर जो आज भी चल रहा है वो 120 से 150 के दरमियान है एज़ पर बंदे की आस्किंग है, और सेकेंड जो इसका बच्चा होता है वो आप ईजीली सेल कर देते हैं 18 to 20, 10 से 15 दिन का बच्चा। लेकिन मैं जो करता हूँ, मैं पेयर से ही बच्चे ब्रीड लेने के बाद इन्हीं से पलवाता हूँ, एक ही क्लास लेके ये जब सेल्फ कर देते हैं तो उसके बाद सेल करो तो एक अच्छी अमाउंट आ जाती है। तो किनोर के रेट्स का मुझे बताएं क्या चल रहा है? सन किनोर अगेन येलो रिंग नेक की तरह ही है, 17 to 20 बच्चा 10 से 15 दिन का, और जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना वो उसका प्राइस बढ़ती जाएगी। और जो छोटे किनोर थे इनमें डिफरेंट है, अभी ब्लू सन चिक ये बहुत ज़्यादा हैवी जा रहे हैं, 35 to 40 में बच्चा ट्रीट होता रहा पिछले ईयर, अभी सीज़न स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह इसका रेट निकलेगा। और येलो साइडर लास्ट ईयर जो मैं देता रहा हूँ तमाम मैंने सेल करके डीएनए के साथ दिए हैं और 13,000 से कम कोई बच्चा नहीं दिया। अच्छा अभी तो आपका लव बर्ड्स का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो उसमें तो हम सवालात नहीं कर सकते, मगर मुझे लार्ज ब्रीड के बारे में बताएं कि कोई इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम में लेके जा सकता है इस बिज़नेस को, और क्या ये प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है या नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लव बर्ड का हाँ ये है कि मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता सेलिंग नहीं की, लेकिन मैंने
बाइंग की है वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि बड़े बर्ड्स में, तो बड़े बर्ड्स में अभी दो किस्म के हैं, या तो सन कनोर है या छोटा कनोर है। आप छोटे कनोर के जो एक नॉर्मल रूटीन में कोई भी बंदा लगा सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, उसका आपको 30-35 का एक पेयर मिल जाता है अच्छा ब्रीडर जो होता है। आपको कहीं से भी अगर अच्छा ब्रीडर मिल जाता है तो आप वो लगा लेते हैं, कम से कम भी एवरेज इसकी 6 बच्चों की आराम से है। और पर बच्चा अगर आप 10,000 भी लगाएं, मैंने 13 में सेल किया, आप 10,000 भी लगाएं तो 6 बच्चे आपके 60,000 में इजीली जाते हैं एक पेयर के। तो आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है आप छोटा बर्ड उतना लगा के इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि वैसे ही आपका जो इन बर्ड्स में एक्सपीरियंस गया है, तो मंथली आपकी कितने तक बचत हो जाती है, अगर आप एक एस्टिमेट देना चाहें? मैंने वैसे एवरेज तो नहीं निकाली, पर ईयर ही होता है। बर्ड आपको पता है लास्ट 3-4 मंथ में ब्रीड करता है ईयर के, लेकिन अगर शायद मैं एवरेज निकालूं तो मेरी जो इनकम है मैं उससे ज़्यादा इनमें से कमा रहा हूँ। 50+ कर लें आप। अच्छा, तो और अगर आज तक जितनी भी लाइफ टाइम क्या कुछ लगा चुके हैं, क्या कुछ गवा चुके हैं और क्या कुछ कमा चुके हैं? 1 लाख लाइफ टाइम में अगर मैं कहूँ तो मैंने 5 लाख वाले साहब से लिया था और मैंने इन्वेस्टमेंट की थी बर्ड्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं रिटर्न करने के बाद आज ये जो सेटअप आपके पीछे नज़र आ रहा है 10+ का है, ये सारा बर्ड्स से आया, मैंने इसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट नहीं की। जो रूम है ये टोटली जो है ना 16x15 का है, और जो फ्लाई बायर की है वो 15 फुट हाइट है उसकी और 5 फीट डेप्थ है। तो टोटल कितने केजेस हैं? केजेस यहाँ पे टोटल केजेस लगे हुए हैं जी 30, और 5 मैंने मजीद ऐड ऑन करने, 35 पेयर्स हो जाएंगे मेरे पास कंप्लीट। अच्छा, रावलपिंडी में भी शदीद गर्मी पड़ती है, तो इनके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया? ऊपर आपसे आपका सेटअप भी जो है वो छत पे। मेरा जो गर्मी और सर्दी के बारे में अगर आप आंसर कर लेना चाह रहे हैं ना, तो वो ये है कि बर्ड को आप जिस तरह भी रखेंगे बर्ड एडजस्ट होता है। यहाँ पे शदीद गर्मी होती है लेकिन आपको विंडो में सिर्फ एक कूलर नज़र आ रहा होगा जो गर्मियों में जस्ट ऑन होता है, और इसमें भी एक टाइम होता है जब इसमें वाटर ऑन होता है, और एक टाइम होता है कि मैं पानी बंद कर देता हूँ और जस्ट पंखा देता हूँ इन्हें। अजय, इधर कौन सा पेड़ लगाया हुआ आपने? जी ये जो आपको मेल नज़र आ रहा है ये पेल फैलो, टर्कवाइज पेल फैलो का, और जो इसके साथ फीमेल है ये पार ब्लू ऑफ स्प्लिट ओपलाइन पेल फैलो की है। बच्चे किस किस्म के आएंगे इसमें से? बच्चे इसके इंशाल्लाह जी पार ब्लू ऑफलाइन आएगा, और जो इस टाइम पे हॉट डिमांडिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रीमिनो की फीमेल है और इसके साथ डेकिनो का मेल है, और ये भी आपको पता है इस टाइम पे हॉट फेवरेट आइटम में आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जी ये ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है, इसके साथ यूविंग ऑफलाइन मेल है, और ये दोनों स्प्लिट पेल फैलोज हैं। ये इसमें भी इसमें बच्चे जो आएंगे वो भी होपफुली ऑफलाइन पेल फैलो आने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। ये ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है और इसके साथ यूविंग ऑफलाइन का मेल है, और ये दोनों सिंपल हैं, ये स्प्लिट वगैरह नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है और मज़े के बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। ये जी मोंग का पेयर है, लटिनो की फीमेल है और ब्लू का इसके साथ मेल है। मेरे पास ये 3 टाइम ब्रीड कर चुका है, इसके बच्चे मैंने टिकटों में बेचे हैं, और अभी मैं इस पेयर को सेल कर रहा हूँ जैसे इस वजह से कि मेरे पास ये अकेला मोंग पड़ा, बाकी म्यूटेशन डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है उस वजह से सेल कर रहा हूँ, बाकी 100% गारंटी की ब्रीड की गारंटी है जी। ये सन कनोर है, हाई रेड कहते हैं इसे, और ये ब्रीडर पेयर्स हैं, दोस्त के पास लगे थे, मैं वहाँ से उठा के लाया था जब इन्होंने ब्रीड की हुई थी। ये सन कनोर का सेकंड पेयर है, अगेन ये भी ब्रीडर है, बॉक्सेस अभी नहीं लगाए, इंशाल्लाह जल्द बॉक्सेस इंस्टॉल कर दूंगा, तो इनकी एक अच्छी इंशाल्लाह ब्रीड की उम्मीद है। थर्ड पेयर है सन कनोर, अगेन मेल जो है हाई रेड है और फीमेल थोड़ी नॉर्मल है, और ये भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं बॉक्स के लिए। अच्छा, तो अभी आपसे अगर कोई लार्ज ब्रीड के या लव बर्ड्स वगैरह के पट्टे शटे तो जहरी सी बात आएंगे सीज़न में, तो एक तो मुझे बताएं कितने टाइम बाद आएंगे, और आप अपना पर्सनल नंबर भी अगर शेयर करना चाहते हैं वो भी कर लें। जी मेरा नंबर नोट कर लें 0313-546-8437, और पट्टे शटे बिल्कुल आएंगे। मैंने लव बर्ड फर्स्ट टाइम लगाया, लोगों ने बॉक्स वगैरह लगा दिए, और काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के पास भी लिंग वगैरह स्टार्ट। चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह।
अल्लाह खैर करे, आपके पास जब पटे शटे निकलेंगे तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे। जी थैंक यू सो मच एंड वेलकम एनी टाइम इंशाल्लाह।